गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल केडी दाउस व्लॉग्स। सो हम लोग, मेरे सिस्टर, मेरे फैमिली लोग आए, तो हम लोग जा रहे हैं मुंबई घूमने के लिए। तो आप भी चलिए हमारे साथ और कंटिन्यू रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8 बज रहा है, हम लोग को सुबह ही निकलना था, इसलिए हम लोग 5 बजे उठ के फटाफट फ्रेश होके नाश्ता वगैरह कर लिए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हम पूरा मुंबई घूम सकते हैं, इसलिए हम लोग ने जल्दी निकलने का प्लानिंग की है। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक ही गाड़ी, दो गाड़ी थे, मेरा भाई भी लेके आया था, बट ड्राइवर चाहिए था तो एक ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग एक ही गाड़ी में एडजस्ट किए। अब क्या करें, बिठा दिए, बैठ गए। तो स्पेशली अभी हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मुझे एलिफेंटा केव्स देखना है, लेकिन बहुत बार मैं ये गेटवे ऑफ इंडिया जा चुकी हूँ लेकिन वो नहीं हो पाया। इस बार तो मैं वो कंपलसरी देख के ही आऊँगी कैसे भी। मेरी फैमिली बहुत बार यहाँ मुंबई मेरे घर आ चुके थे, बट मैं उन लोगों को मुंबई घुमा नहीं पाई, पॉसिबल नहीं हुआ था। तो इस बार दिवाली के वैकेशन में ये लोग आ गए थे मेरे यहाँ, तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने इन लोगों को मुंबई घुमाती हूँ। तो गाइस, ये जो प्लेसेस है ये बहुत ही सुंदर है, चर्च वगैरह। तो ये आप लोगों ने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारा शूटिंग भी होता है। सो हम लोग आ गए गेटवे ऑफ इंडिया, फर्स्ट हम लोग यहीं पे विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पे पीछे बस देख रहे हो, ये मुंबई दर्शन के स्पेशली बस है। आप यहाँ पे बस के थ्रू भी आप मुंबई का मतलब मुंबई दर्शन कर सकते हो। तो संडे के दिन बहुत सारे बसेस और टैक्सी कार भी अवेलेबल होते हैं, जो आपको 250-300 में पूरा मुंबई भी घुमाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ से। तो हम लोग एलिफेंटा केव्स का इंक्वायरी किए, तो वहाँ पे पता चला कि 5 आवर्स तो कंपलसरी होगा। तो एज़ यूजुअली मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी 5 घंटा हम इसी में देंगे तो कहीं और घूम नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा हम लोग सिर्फ बोटिंग करके यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं दूसरे प्लेस भी विज़िट करना है। तो हम लोग यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पे विज़िट किए और बोटिंग भी करने वाले हैं, तो सिर्फ बोटिंग करके फिर निकल जाते हैं, क्या करें अब। एलिफेंटा केव्स, अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगी ना, तो कंपलसरी मैं एलिफेंटा केव्स देखने के लिए आऊँगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी, मैं अब बहुत बोर हो चुकी हूँ। सो हम लोग ने यहाँ पर थोड़े मोड़े फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे हैं और वीडियो बनाना है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कितना सुंदर डिज़ाइन है इसका, और हम लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं। दिव्यांश बहुत ही एंजॉय कर रहा है, वो अभी ये सेकेंड टाइम आ चुका है, 9 मंथ्स ही हो रहा है, सॉरी 11 मंथ्स हो गया है दिव्यांश का, और सेकेंड टाइम वो विज़िट कर चुका है गेटवे ऑफ इंडिया। सो पानी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, समुंदर, और वहाँ बोटिंग से हम लोग ताज होटल का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, पानी की आवाज़ भी कितना सुंदर लग रहा था। सो हम लोग यहाँ पे आ गए मरीन ड्राइव, यहाँ पे इतने सारे पेड़ थे और इतना सारा धूप भी लग रहा था, तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखिए मुझे यहीं पे बैठने का मन कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है वैसे वैसे धूप बहुत हो रहा है और मुझे कहीं घूमने का मन भी नहीं कर रहा है अभी से। सो मरीन ड्राइव पे बहुत सारे आर्टिस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पीछे, कियांश के पीछे ड्राइंग कर रहे थे, कोई पेंटिंग कर रहे थे, कोई रील्स बना रहे थे, बहुत ही अच्छा नज़ारा था वहाँ पे आसपास। सो अब हम लोग आ गए आजी अली, तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए तो बहुत ही मस्त प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे आपको शूज़ कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। और हाजी अली तो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, और मैंने देखा बाप रे, ये बीच में से, समंदर के बीच से रास्ता था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर आप थोड़े बारिश के टाइम पे, मतलब हल्का हल्का जब बारिश होता है उस टाइम पे आओगे, तो ये पानी एकदम आपको पैर के ऊपर टच हो जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत पानी कम है। तो देखिए अजी अली, सो अजी अली आते आते धूप इतना बढ़ गया, मुझे तो घूमने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी हम लोग कैसे कैसे निकल गए। और यहाँ ये जो ब्रिज है, ये सीलिंग ब्रिज है, मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे विज़िट कर रही हूँ। और अब हम लोग आ गए जू बीच, वैसे जू बीच मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई थी, अभी ये सेकंड टाइम मैं यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ।
देखिए दिव्यांश को भी नींद आ रहा है और हम लोग को भी बहुत भूख लग रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करके निकल जाएंगे घर। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।